सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देखो बच्चों, हम जो चर्चा कर रहे थे 10वीं क्लास का जो छठवां लेसन है केंद्र सरकार, उसकी शुरुआत अपन कर चुके थे। एक वीडियो अपना पहले अपलोड किया जा चुका है और आज उसी लेसन का सेकेंड वीडियो, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट सेकेंड। दो क्वेश्चन की अपनी चर्चा हो चुकी थी। पहला क्वेश्चन था लोकसभा की रचना व संगठन, दूसरा प्रश्न था राज्यसभा की रचना व संगठन। अब इसके बाद में देखो अगला प्रश्न है संसद के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। संसद का मतलब आप लोग समझते हो, संसद में अपन ने शामिल किया था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं अपन, संसद कहते हैं। तो संसद की शक्तियों का मतलब ये हो गया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या क्या कार्य करते हैं, वो शक्तियां आज अपने को देखनी है। तो संसद की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे अपन कह सकते हैं विधिक शक्ति या विधायी शक्ति। तो यहां पर पहली शक्ति लिख सकते हैं विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति को ही हम कह सकते हैं क्या, कानून निर्माण की शक्ति। जो दोनों में से आपको अच्छा पॉइंट लगे वो आप पहला पॉइंट लिख देना, विधिक शक्ति भी कह सकते हैं या कानून निर्माण की शक्ति भी कह सकते हैं। तो संसद के हालांकि और भी कई कार्य होंगे, लेकिन संसद के जो भी कार्य हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य संसद का कौन सा है, कानूनों का निर्माण करना। जैसे पहली लाइन को अपन ये लिखेंगे, संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है, कानूनों का निर्माण करना है। अब देखना, जो संसद होती है वो कानून का निर्माण करती है तो कैसे करती है, देखो पूरे देश के ऊपर तो होती है संसद, इसके अलावा प्रत्येक राज्य में होती है विधानसभा। तो कुछ तो विषय ऐसे होते हैं जिन पर तो कानून बनाती है कौन, संसद। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल। तो इसके लिए क्या है कि मतलब दोनों जगह की अलग अलग व्यवस्था है। कुछ विषय तो दे रखे हैं संसद को कानून बनाने के लिए और कुछ विषय दे रखे हैं किसको, राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने के लिए। तो इन विषयों को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो पहले तो आप लोग ये समझना, जैसे कानून बनाने के लिए तीन सूचियों का निर्माण कर दिया, कितनी सूचियां बनाई गई है, तीन सूचियां बनाई गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची। एक तो ये पर बात करेंगे, फिर बात करें पर पूरे देश में तो क्या होती है संसद, इसके अलावा प्रत्येक राज्य में क्या होता है, राज्य विधानमंडल। ये तो राज्य के लिए कानून बनाता है और ये संसद है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अब कौन किस विषय के लिए कानून बनाएगा, कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, ये पहले देखना पड़ेगा आपको। तो इस संघ सूची में मतलब इस तालिका में, इस सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं, जैसे वर्तमान में इसमें 100 विषय लिखे हैं, कितने विषय लिखे गए हैं, 100 विषय इसमें लिखे हुए हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाती है, संसद। राज्य सूची की बात करें अपन तो राज्य सूची में कुल मिलाकर विषय वर्तमान में लिखे हुए हैं कितने, 61। इन विषयों पर कानून बनाता है कौन, राज्य का विधानमंडल। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में विषय लिखे हुए कितने, 52। समवर्ती सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं इन विषयों पर कानून संसद भी बना सकती है तो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। समझ गए बात, मतलब तीन तालिका या तीन सूचियां बना दी, संघ सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं इन पर कानून बनाएगी कौन, संसद।
राज्य सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं इन पर कानून बनाती है कौन? राज्य का विधानमंडल। समवर्ती सूची में जो भी विषय लिखे गए हैं इन पर कानून दोनों बना सकते हैं, संसद भी बना सकती है तो राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन यदि इस सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों के कानूनों में कोई मतभेद या टकराव होता है तो फिर किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। अभी अपन जो शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं वो संसद की शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, ना कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों की। तो इसमें अपने को क्या लिखना है कि संसद संघ सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, क्योंकि इन पर तो कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल। तो संसद के कानून निर्माण की शक्तियां अपन देख रहे हैं, तो संसद कानून बनाता है एक तो संघ सूची के विषयों पर और दूसरा समवर्ती सूची के विषयों पर। फिर अपने को इसी में यह भी लिखना पड़ेगा कि समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानूनों में कोई मतभेद या टकराव होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। यह उल्लेख करना है अपने को संसद की कौन सी शक्ति में? विधायी शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति में। अब अपन लिख लेते हैं इसको। तो यहां तक अपन ने लिख लिया कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। इसी में आगे लिखना आप संसद संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। मतलब संसद इन दोनों सूचियों में लिखे गए विषयों पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची के विषय पर कौन बना सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों। तो इसी में आगे लिखना समवर्ती सूची के विषयों पर संसद व राज्य विधानमंडल संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों के कानूनों में कोई मतभेद होता है और यदि दोनों के कानूनों में कोई मतभेद होता है तो किसका कानून मान्य होगा? तो संसद का कानून मान्य होता है, तो संसद का कानून मान्य होता है। ये तो संसद की पहली शक्ति कौन सी हो गई? विधायी शक्ति, या कह सकते हैं कानून निर्माण की शक्ति। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कॉपी में नोट्स बना लेना इसके। अब दूसरी शक्ति की अपन चर्चा करते हैं। संसद की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है? संविधान संशोधन की शक्ति। अब देखो भारत का संविधान, थोड़ा सा सुनना इसमें। भारत का संविधान बन चुका था कब? 26 नवंबर 1949 को। अब उस समय का बना हुआ संविधान वर्तमान में काम तो कर रहा है, लेकिन उस समय के संविधान में वर्तमान संविधान में काफी अंतर आ चुका है, क्योंकि उस समय के बने हुए संविधान में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं, कई बार संशोधन किए जा चुके हैं। उस समय के संविधान में जो संशोधन करने की या बदलाव करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या हो गई? संविधान संशोधन की शक्ति। तो ये पहली लाइन तो आप ये लिखोगे संसद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति शक्ति है संविधान में संशोधन करना।
संविधान में संशोधन करना। अब जो संविधान है ना, उस संविधान के कुछ भाग तो ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। देखो समझना इसको, ये जैसे एक पुस्तक है और वो पुस्तक किसकी पुस्तक है, संविधान की पुस्तक है। इस संविधान की पुस्तक में कोई संशोधन या बदलाव करना है कौन करेगी, संसद करेगी। कैसे करेगी, कुछ भाग तो जैसे संविधान के ये कुछ भाग तो ऐसे हो गए जिनमें संसद कैसे संशोधन या बदलाव कर सकती है, साधारण बहुमत से। और संविधान के ये मान लेते हैं पर कुछ भाग और, इन कुछ भागों में संशोधन कैसे करेगी, 2/3 बहुमत से। समझ गए बात। तो संसद संविधान में संशोधन तो करती है लेकिन इसके दो तरीके हैं। संविधान के कुछ भागों में तो संसद साधारण बहुमत से संशोधन करती है और संविधान के कुछ भागों में संसद 2/3 बहुमत से संशोधन करती है। यह संसद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होगी। तो इसी में आगे लिखते जाना आप लोग, संविधान के कुछ भागों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है तथा कुछ भागों में 2/3 बहुमत से संशोधन करती है। समझ गए बात। तो संविधान में संशोधन के दो तरीके हो गए, कुछ भाग में साधारण बहुमत से, कुछ भाग में 2/3 बहुमत से। यह हो गई संसद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति। अब संसद की तीसरी जो शक्ति आती है वो है वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब इसके बारे में समझना कि वित्त के मामले में या धन के मामले में संसद के पास क्या शक्ति है। देखो संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है, बजट पारित किया जाता है। ये बजट क्या होता है, बजट होता है आय और व्यय से संबंधित। किससे संबंधित होता है, आय तथा व्यय से संबंधित। कैसे होता है कि भाई संसद पहले से ही अनुमान लगाती है कि जो आने वाला साल होगा उस आने वाले साल में लगभग हमारे देश को इतनी तो इनकम होगी, इतनी तो आय होगी और उस होने वाली आय में से इतना खर्चा इस क्षेत्र में करेंगे। जैसे 1 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में कर दिया, 1 करोड़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर दिया, 1 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से मतलब रोड के निर्माण में कर दिए। तो कितनी आय होगी, किस किस क्षेत्र में वो खर्चा करना है, इसका जो लेखा जोखा होता है उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा क्या पारित किया जाता है, बजट पारित किया जाता है। तो वित्तीय शक्ति में पर दो वित्तीय शक्ति देखेंगे। तो पहला तो आपको ये लिखना है इसमें, संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है जिसमें 1 वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा होता है। मतलब संसद जो बजट पारित करती है, प्रत्येक वर्ष बजट पारित करती है और उस बजट में 1 साल के आय तथा व्यय का हिसाब होता है। समझ के बाद इसके अलावा थोड़ा वित्तीय शक्ति में एक और ध्यान रखना कि जो धन विधेयक है, ध्यान रखना हम जो संसद की शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं ना, संसद में मुख्य रूप से किस किस को शामिल करते हैं, लोकसभा को और राज्यसभा को।
हालांकि राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है, संसद में ही शामिल किया गया है, लेकिन अगर सदन की बात करें अपन, सभा की बात करें, तो दो ही सदन या दो ही सभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा। अब धन विधेयक के बारे में, क्योंकि धन विधेयक भी किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। अगर धन विधेयक देखो संसद कैसे पारित करती है, धन विधेयक हमेशा रखा जाएगा कहां पे, लोकसभा में। पहले धन विधेयक कहां रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। यदि धन विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है, पास कर देती है, तो उसके बाद धन विधेयक किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा के पास समय होता है कितने दिन का, 14 दिन का। अगर 14 दिन में राज्यसभा इस धन विधेयक को पारित करे तो कर दे, वरना फिर वैसे भी राज्यसभा से अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। तो ये कौन सा विधेयक हो गया, धन विधेयक। ये भी संसद की कौन सी शक्ति में आता है, वित्तीय शक्ति में आता है। तो इसमें आपको लिखना है धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद या लोकसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा, यह राज्यसभा में जाता है, यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को, मतलब कौन से विधेयक को, धन विधेयक को, इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन में अगर राज्यसभा पारित नहीं भी करती है ना, तो भी राज्यसभा से वो विधेयक क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। मतलब धन विधेयक के मामले में ज्यादा शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो ये संसद की कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति। अगली संसद की जो शक्ति है जिसके अपन चर्चा करेंगे वो है कार्यपालिका शक्ति। तो संसद की चौथी जो शक्ति है वो कौन सी हो गई, कार्यपालिका शक्ति। आप याद करो अपने जो शुरू में केंद्र सरकार का जब ये लेसन शुरू किया था, केंद्र सरकार का अपने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में केंद्र सरकार के 3 अंग बताए थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसमें मंत्री परिषद को अपन ने किसमें शामिल किया था, कार्यपालिका में शामिल किया था। तो कार्यपालिका की शक्ति में अपन बात करेंगे किसकी शक्तियों के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, और हम चर्चा करेंगे किसकी शक्तियों की, संसद की शक्तियों की। तो इसमें सुनना क्या लिखना आपने को, मंत्री परिषद मतलब सारे के सारे जो मंत्री होते हैं ना, वो सारे के सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के सदस्य इन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और इन मंत्रियों को, संसद के सदस्यों को इन प्रश्नों का जवाब देना होता है। मतलब कोई भी संसद का सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है और मंत्री को उस प्रश्न का क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि संसद में भी सामूहिक रूप से ज्यादा उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति, लेकिन अपन अलग से लोकसभा की इसमें चर्चा नहीं करके संसद की चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखना आप लोग, मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे में आगे लिखते जाना, संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मंत्रियों को
इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मतलब ये मंत्री उत्तर किसको दे रहे हैं? संसद को इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये हो गई अपनी संसद की चौथी शक्ति कार्यपालिका शक्ति। पांचवी शक्ति अपन इसी में लिख देंगे आराम से, वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन का मतलब चुनाव। अब निर्वाचन के संबंध में संसद को क्या क्या शक्तियां वो देखना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन की शक्ति किसको है? संसद को। मतलब संसद के सदस्य द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो संसद को कौन सी शक्ति होगी? निर्वाचन की शक्ति। तो इसी में लिख देना आपने, संसद के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये अपना आंसर कंप्लीट क्वेश्चन था संसद के कार्य व शक्तियों का उल्लेख करो। तो इसमें अपने संसद की पांच शक्तियां पढ़ी हैं। पहली शक्ति कानून निर्माण की शक्ति, दूसरी शक्ति संविधान संशोधन की शक्ति, तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति, चौथी शक्ति कार्यपालिका शक्ति, पांचवी क्या हो गई? निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो इस लेसन के अपने तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो अपने पांच बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं अब देखना आप लोग, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ तीन ही प्रश्न करवाए हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो अपने पांच प्रश्न इस लेसन के कंप्लीट हो चुके हैं। जब तीनों प्रश्न कंप्लीट हो जाए ना तो देखना, जैसे पहला प्रश्न अपन ने लिया था क्या, लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो, पहला प्रश्न तो अपन ने लिया था। दूसरा प्रश्न अपन ने इस लेसन का लिया था, राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। तीसरा प्रश्न अपन ने लिया था, संसद के कार्य व शक्तियों का वर्णन करो। तीसरा प्रश्न अपन ने ये किया था। अब देखो चौथा प्रश्न आपको जो लिखना है ना कॉपी में, वो लिखना है चौथा प्रश्न, समझना आप ढंग से। इसका आंसर हो चुका है, जैसे आपसे क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन आपके सामने आता है लोकसभा की संरचना कह दो चाहे संगठन कह दो चाहे रचना कह दो, रचना या संगठन ये तो एक ही चीज होगी, वह शक्तियों का वर्णन करो। एक ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे, अभी इसका आंसर बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। पांचवा प्रश्न आपके सामने आता है, राज्यसभा की रचना, रचना को ही क्या कहते हैं अपन, संगठन कहते हैं, वह शक्तियों का वर्णन करो। अब थोड़ा ध्यान रखना आप, संसद के कार्य और शक्तियां अपन ने पढ़ी है, संसद के सदन कितने होते हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां संसद के कार्यों में अपन ने किसकी शक्तियां पढ़ी है? लोकसभा की व राज्यसभा की, यही तो पढ़ा है ना अपन ने, समझ गए बात। तो तीसरे प्रश्न में अपन ने संसद की शक्तियां पढ़ ली, इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां पढ़ ली। अब अगर आपसे ये तीन तो डायरेक्ट मैंने आपको प्रश्न करवा दिए, अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोकसभा की रचना मतलब संगठन व शक्तियों का वर्णन करो, तो लोकसभा की रचना देखो इसका आंसर क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन अपन ने किया था ना, उसमें तो पहले अपन ने लोकसभा की रचना या संगठन, तीसरे क्वेश्चन में
जो अपन ने आंसर लिखा था ना संसद की शक्तियां, वो क्यों हो शक्तियां किसकी हो जाएंगी लोकसभा की। तो पहले प्रश्न का तीसरे प्रश्न का आंसर मिला के लिख देना, कौन से प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आया आपके पास राज्यसभा की रचना संगठन और शक्तियां। दूसरे प्रश्न में अपन ने राज्यसभा की रचना और संगठन पढ़ा था, तो इसका आंसर आप दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न मिला के लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा कौन से प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का। तो पांच प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में राष्ट्रपति के संबंध में कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।